हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट आ गए थे यहाँ तक। अच्छा, बाय द वे सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताता हूँ, आई एम री रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपके लिए मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, बट टू माय बैड हमारे जो एडिटर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है एंड ही इज़ नॉट डूइंग गुड। एंड तबीयत खराब होने का मतलब है उन्हें कोविड हो गया, उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो गया एंड दे बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सो नाउ आई कैन नॉट मीट हिम, नाउ आई कैन नॉट गिव हिम दोज लेक्चर्स जो मैंने एडिट किए थे, मतलब जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो मुझे वापस से इनको एडिट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एडिटर मेरे पुराने वाले जो फाइल्स हैं उनमें एडिट नहीं कर सकता। सो आई एम री रिकॉर्डिंग दैम अगेन फॉर यू। सो आई होप कि जब आप ये वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज़ द सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स फॉर यू। सो आई होप इट्स लाउड एंड क्लियर हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट यू आर टू मी। आई कांट डिले इट, हेंस आई टोल्ड विकास सर दैट वी विल रिकॉर्ड इट टुडे ओनली और देंगे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं आज ही 4th of August है ना, अच्छा तक 5th आई गेस, जो भी है 4th या 5th या जो भी है, मैं आज से वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसे देख पा रहे हैं। मोस्टली जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तब 6th of August पूरी होगी। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम माय एंड, कीप लविंग अस। जरूर बताइएगा अबाउट हाउ डू यू फील, आर यू हैप्पी विथ यस अकेडमी और नॉट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने लास्ट सारे कमेंट्स देखे थे, कितने लोगों ने पढ़ा कितनों ने नहीं पढ़ा, मैंने देखा। आई एम ग्लैड कि कुछ बच्चों ने पढ़ा था। वैसे मैंने आपको एक और टास्क दिया था, तो इस बार कमेंट्स में दो चीज़ें बताना। क्या क्या दो चीज़ें बताओगे? एक चीज़ आप मुझे बताओगे, वन, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग विद यस। क्यों? क्योंकि अब आपके ना बहुत सारे लेक्चर्स बैक टू बैक आने वाले राजा। मैंने आपका जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी लॉ 1 एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी लॉ 2 जो आगे आ रहा है, मतलब चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, हम उसको 1 एंड 2 बोलते हैं, वो भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर दिया है, ऑलरेडी एडिटिंग के लिए चला गया। तो बैक टू बैक इकट्ठे बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो मेरे को हर बॉक्स में बताते रहना कि कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ यू लाइकिंग इट और नॉट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी फील रियली वेरी हैप्पी जब आप बताते हो कि यू नो सर बहुत अच्छा लगा, वी मिस यू। जब आप लोग मिस यू बोलते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो मतलब अबाउट एनीवन एल्स, बट आई फील सो कनेक्टेड कि मतलब अगर मैंने इतने एफर्ट्स लिए तो आपने भी मेरे लिए एक मिनट का एफर्ट लिया। तो कीप ऑन टेलिंग अस हाउ यू लाइक दीज लेक्चर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ लेट्स डू इट अगेन, दिस इज टेक 2। टेक 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए आज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज, डोंट टेक इट अदरवाइज, डिस्चार्ज मंजे काय, डिस्चार्ज मंजे फ्री, डोंट टेक इट अदरवाइज, डिस्चार्ज मंजे फ्री, मतलब वो फ्री नहीं, फ्री मतलब कौन सा फ्री, दैट आपके रास्ते मैं मेरे रास्ते। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों का झगड़ा हो गया, हमने कहा हम तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, वी आर डिस्चार्ज फ्रॉम आर लव। सो डिस्चार्ज मंजे जब आप लोग फ्री हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताइए, एक बार जब आप दो पार्टी साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति के चलते आप लोग कहते कि नहीं भैया नहीं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होगा, राम सिया राम, नहीं करना हमको यहां काम। अगर आपके मन में ये आता है तो हम कहते हैं कि टाइम आ गया है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। सो नाउ हाउ कैन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन कैसे होता है। खैर मैंने आपको ये पढ़ने के लिए बोला था, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बच्चे तो मेरे ही हैं, आ जाओ। सो नाउ इट मींस टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ग्राउंड ऑफ डिस्चार्ज और टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। सो दीज 6 थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर, वी विल ट्राई दैट वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स। सो नाउ 1, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, फिर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया क्या? ऐसा कैसा समझ में आ गया 40 मिनट का लेक्चर में सिर्फ यही बात करने का अपने को? तो ये 6 जो तरीके हैं, देयर इज अ ग्रेट चांस कि इसी पे एमसीक्यू है, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट हो सकता है। सो नाउ एक एक चीज के ऊपर पढ़ते हैं। पहला क्या था? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया देखो, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच में, अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच में समझौता हुआ है कि हमने ये करना है, मैंने कहा मुझे एक ग्रीन टी चाहिए, आपने बोला भाई 100 रुपीज की होती है, मैंने कहा लो पकड़ो 100 रुपए, आपने मुझे ग्रीन टी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म बाय परफॉर्मेंस। सो व्हेनेवर बोथ ऑफ द पार्टीज हैव परफॉर्मड देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, यू बोथ आर फ्री नाउ। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट्स द बेसिक थिंग। अगर एक्चुअली परफॉर्म कर लिया तो खत्म हो गया। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब जब आप कोशिश करते हो, जब आप कोशिश करते हो कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, तो उसको बोला जाता है टेंडर, इज ऑल्सो नोन एज टेंडर। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है राजा। नेक्स्ट अप इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट? तू कुत्ता, तू कुत्ता, अच्छा ठीक है मैं तो कुत्ता हूं, तू है ना, हाँ
दिस इज वॉट म्यूचुअल कंसेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन म्यूचुअल कंसेंट, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने आती बोलते कि नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को भी तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है बाय. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब कभी भी दोनों पार्टीज बात करके अग्री करती हैं म्यूचुअली कि भैया अब इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाने का कोई फायदा नहीं है, इसको आप बोलते हो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां दोनों पार्टीज की सहमति है कि अब साथ में नहीं कर सकते, इस काम को खत्म कर देते हैं. बट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. सो यहां पे एमसीक्यू आ सकता है कि डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट कैसे कैसे हो सकता है. इट कैन बी बाय नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, मर्जर, इतने सारे चीजें आ गई आपके सामने. नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर, ये मेरे को याद चाहिए तुम लोगों का. इसके अंदर का मीनिंग शायद पूछे ना पूछे, पर ये छह बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस रिमेंबर दैट दीज आर सिक्स थिंग्स. कौन सा हो गया सर? नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, मर्जर. ठीक है सर, ये एक एक चीज सिखा दो ना कैसे कैसे होती है, मतलब हमें पता कैसे पड़ेगा? इसी बात का तो पैसा है, अभी दिखाते हैं आपको. पहले मैंने नहीं आगे बढ़ना, पहले मेरे को चाहिए कि तुम ये याद करो, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन, मर्जर. वापस से बोलो, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसेशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, नहीं सॉरी क्या गया, वेवर, मर्जर. वापस बोलो एक बार वापस बोलो. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज. डिस्चार्ज में क्या पढ़ लिया हमने? एक तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट में कितने? छह. नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेसेशन, और क्या था भाई, वेवर, एंड लास्ट मर्जर. चलो अब एक बार तुम बोल दो वापस से, याद चाहिए मेरे को. ओए मेरी लैपटॉप पे पानी गिर गया. याद हो गए? ऐसे एक दो बार बोलते रहने का हो जाएगा. मैं क्यों याद करा रहा हूँ? एमसीक्यू इसके ऊपर बन सकता है कि भाई म्यूचुअल कंसेंट में कौन से तरीके हैं, वो आपके सामने ऑप्शन डाल देगा, बोलेगा कौन सा म्यूचुअल कंसेंट का तरीका नहीं है. सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर का पूछने का चांस कम है, ये पूछना ज़्यादा है, बट स्टिल हम आपको पूरा सिखाएंगे. नोवेशन, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नोवेशन? देखो अब नोवेशन का मतलब क्या होता है ना बेटा, नोवेशन का मतलब बताइए. ओके दिस इज नॉट योर्स, आई थिंक फर्स्ट वन आपका है. नो सेकेंड वन आपका है. यस हाँ जी. नाउ देखो नोवेशन का मतलब क्या होता है ना, जब कभी भी आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कि ऑलमोस्ट सेम टर्म्स पे, जब कभी भी आपके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की ऑलमोस्ट सेम टर्म्स पे बिटवीन द सेम पार्टीज, और हो सकता है कि पार्टीज में कुछ फर्क आ जाए, पार्टीज में कोई शायद कोई न्यू पार्टी भी ऐड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. सेम टर्म्स पे जब आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आप उसको बोलते हो बेटा नोवेशन. आपने बोला सर ये तो मतलब ऐसा होगा कि हमने मारुति 800 बेच के वापस से मारुति 800 खरीद ली, फायदा क्या हुआ इसका? बताता हूं, ध्यान दो. रूल क्या बोलता है? वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट कैन नेवर बी वैलिड अगेन. जब एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है ना, उसको अपन कभी भी वापस से वैलिड नहीं कर पाते हैं, बस खत्म. वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार खराब मतलब रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े वॉइड हो जाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े वॉइड हो जाए. तो मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ वो हमेशा वॉइड रहेगा, उसे आप ठीक नहीं कर सकते. सर तो आप इससे कहना क्या चाह रहे हो? बिल्कुल बताएंगे, इसी बात का तो पैसा है. देखें अब मान लो जब मान लो क्या होता है ना, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है ना, बन रही होती है, तो उसके पीछे जो उसके प्रमोटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनसे बहुत सारा सामान क्रेडिट पर ले लेते हैं और बोलते हैं कि भैया जिस दिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ना, ये पैसा कंपनी देगी, हम नहीं देंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट जाए कंपनी दे देगी.
अब सर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जहां पे जिसके बिहाफ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये पार्टी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, इसीलिए ये तो कभी वैलिड था ही नहीं, ये तो वॉइड था, हमेशा से ही गलत था, गलत था। अब क्या होता है ना, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन में आती है ना, तो कंपनी बोलती है दिखा भाई तेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी देखती है हाँ भाई आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ये है। कंपनी बोलती है सही बात है यार, वैसे तूने किया तो सब कुछ हमारे लिए ही है, पर जो एग्रीमेंट तूने किया था वो क्या है, वॉइड है, पर तूने हमारे लिए किया था, हम ये एक्सेप्ट करेंगे। तो कंपनी इस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एक्सेप्ट करती है, नोवेशन के थ्रू। वो क्या करती है, क्योंकि अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाती है ऑन द सेम ओल्ड टर्म्स विथ ऑलमोस्ट द सेम पार्टीज, और अगर जरूरत पड़ी तो कोई न्यू पार्टी को भी ऐड कर सकती है। समझ में आ गया क्या? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। दिस इज व्हाट इज नोवेशन। आ जाओ देख लेते भैया, एक बार आप रीड करो नोवेशन जल्दी से। सो नोवेशन अकर्स व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू इन कंसिडरेशन ऑफ द ओल्ड वन। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द न्यू पार्टीज। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल, अदरवाइज द ओल्ड विल कंटिन्यू टू बी वैलिड। या फिर जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी था, वैलिड था वॉइड था, वो वैसा ही चलता रहेगा। नोवेशन में जब तक आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते तब तक जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ही रहेगा। सो अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था तो वैलिड रहेगा, वॉइड था तो वॉइड हो जाएगा। सर अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था तो आप नोवेशन कर ही क्यों रहे हो? राजा ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको खाली कोई न्यू पार्टी ऐड करनी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो राजा न्यू पार्टी भी कैसे ऐड होगी? नोवेशन करके सर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसी की वाली सब कुछ चीजें ले लो, और इस बार खाली जो न्यू पार्टी है उसको ऐड कर दो। समझ में आ गया क्या? सो नोवेशन कैन बी डन फॉर एनीथिंग। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इज ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? देखो अभी तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था 1+2+3, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। मैंने तुमको बोला सर देखो क्योंकि अभी कोविड हो गया है, तीसरे वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं पूरा करना, हम नहीं कर सकते तीसरे वाली कंडीशन पूरी, हम सिर्फ वन और टू कर सकते हैं। और आपने कहा यार भैया देखो बात तो सही है, एक्चुअली तुम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो आपने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, मिलके कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर देते हैं और ये वाली कंडीशन हटा देते हैं। तो जब कभी भी आप ऑल्टरेशन करने जाते हो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ऑल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे टेक प्लेस व्हेन वन और मोर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्टर्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट। जब दोनों पार्टीज अग्री कर गई कि हमें ऑल्टरेशन करना है, ऑफ ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरेशन डिस्चार्जेस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही ऑल्टरेशन हुआ ना तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उसकी जगह क्या बन जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज मस्ट रिमेन सेम। ये चीज याद रखना, ऑल्टरेशन के केस में बच्चे पार्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टीज चेंज हो रही है तो वो क्या बन जाएगा, नोवेशन बन जाएगा। एमसीक्यू के लिए लिख लो, इन ऑल्टरेशन द पार्टीज रिमेन सेम, इन केस ऑफ नोवेशन देर कैन बी अ न्यू पार्टी एडेड। इन केस ऑफ ऑल्टरेशन द पार्टीज रिमेन सेम, इन केस ऑफ नोवेशन देर कैन बी अ न्यू पार्टी एडेड। समझा क्या? हाँ जी। नेक्स्ट अप है रिसीशन। रिसीशन का मतलब क्या होता है ना, जब व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड इट मे अकर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो रिसीशन में क्या हो रहा है ना, रिसीशन इज नेक्स्ट टू कैंसिलेशन। ऑल्टरेशन में क्या होता था, ऑल्टरेशन में क्या होता था, हम एक आध कंडीशन हटा देते थे। ऑल्टरेशन में क्या होता था, हम कोई नई कंडीशन ऐड कर देते थे। पर रिसीशन में क्या होता है ना, या तो सारी या फिर कुछ जो मेजर टर्म्स हैं उन सबको अपन कैंसिल कर देते हैं। किस किस तरीके से रिसीशन हो सकता है, देखो बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज ने बोला कि हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है, कैंसिल कर दो इन सारी चीजों को। या फिर व्हेन वन पार्टी फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर
one party fails in the performance of his obligation under the contract and the other party may rescind the contract without prejudice to his right to claim compensation for breach of the party. जब एक पार्टी अपना काम करने से फेल कर गई, उसने अपना काम सही से नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर where one party fails in performance of his obligation under the contract, the other party may rescind the contract without prejudice to his right to claim compensation for breach of अदर पार्टी. मतलब आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो, पर दूसरी पार्टी ने बोला क्योंकि तूने काम नहीं किया है, आई एम कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंटिल कैंसल्ड. सो इफ इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंटिल कैंसल्ड, तो ऐसे केस में क्या परफॉर्मेंस करने के कभी भी पहले अग्री पार्टी इसको कैंसिल कर सकती है? कैंसिलेशन ही तो सिखाया था रिसीशन का मतलब. So in case of a voidable contract, the aggrieved party may cancel the contract and this is what is rescission. So rescission can be effected by agreement between the parties at any time. अब देखो, voidable contract में rescission कब तक हो सकता है? कभी भी हो सकता है, before the contract is discharged by performance. अगर उसने perform कर दिया, आपने भी perform कर दिया, उसके बाद मत बोलना कि अब rescission करना है, अब नहीं होगा, अब वो valid ही रहेगा. So rescission in a voidable contract, ये MCQ भी है, rescission in a voidable contract can be done and will be done when it is the matter behind before the performance. अभी सर आपने सर हमको क्या क्या सिखा दिया? आपने हमको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिखाया. डिस्चार्ज मतलब टर्मिनेशन. डिस्चार्ज में छह तरीके बताए. एक था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपने बताया म्यूचुअल कंसेंट, इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, वेवर, आई एम सॉरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये छह तरीके थे सर. आपने डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस में बताया कि अगर दोनों पार्टी परफॉर्म कर गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. फिर आप म्यूचुअल कंसेंट पढ़ाते हैं जो थोड़ा बड़ा वाला है. म्यूचुअल कंसेंट में छह तरीके के थे, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर. नोवेशन हमको समझ में आ गया, अल्टरेशन हमको समझ में आ गया, रेसेशन हमको समझ में आ गया, अब हम चल रहे हैं रेमिशन पे. अब देखो रेमिशन मतलब क्या? हाँ जी, रेमिशन का मतलब होता है इट इज एक्सेप्टिंग अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट वी हैव कमिटेड. इट इज एक्सेप्टिंग अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट वी आर कमिटिंग. तो एक स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने बोला सर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आपको डाइट का बहुत अच्छा नॉलेज है, और एक काम करो सर, आप एक्सरसाइज करते हो, मुझे भी एक महीना ट्रेन कर दो. कभी कभी कुछ बच्चे में सर ट्रेन करते भी जो पुणे में रहते हैं, ये तो कोविड की वजह से हम लोग साथ में ट्रेन नहीं कर पाए, बाकी हम करते थे पहले. तो किसी ने बोल दिया कि सर साथ में ट्रेन कर दो, व्हील वर्कआउट हो गया था. मैं कहा आ जाओ यार कर लेंगे एक्सरसाइज, क्या दिक्कत है. मेरे आई हैव अ स्मॉल होम जिम सेटअप इन माई हाउस. तो मैंने बोला आ जाओ आप कर लेते हैं. मैंने कहा, बोले सर कितनी फीस लोगे? मैं कहा यार 10,000 दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आई डू नॉट चार्ज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो मैंने कहा 10,000 रुपये देना यार बहुत है. तो आया, एक महीने एक्सरसाइज करी, बोलता है सर मेरे एब्स नहीं आए. मैंने कहा तो? मैंने कहा सबकी बॉडी होती है, वे वर्किंग आउट, इट माइट टेक टाइम. उसने बोला सर पैसे नहीं दूंगा मैं, एब्स नहीं आए. मेरे को तो ऐसा लगा था एक महीने मेरे एब्स आ जाएंगे. मैंने कहा एब्स मेरे नहीं आ रहे, तेरे कहाँ से लेके आऊँ, ऑब्वियसली नहीं आ सकते इतना जल्दी. उसने बोला नहीं सर मैं नहीं दूंगा पैसे. मैं कहा देख यार ऐसे मत करे यार, इतनी मेहनत करी है, जान लगा दी. उसने कहा सर मैं 150 रुपया देगा. मैं कहा 150 बहुत कम हो जाएगा. मैं कहा 200 दे दे यार. उसने कहा 150 रुपया देगा. मैं कहा ठीक है भाई दे 150 रुपये दे, आते पैसे आने दे, घर में आती हुई लक्ष्मी कौन रोकता है. सो आई डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बाय टेकिंग अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द कमिटमेंट. देने उसको 10,000 चाहिए थे, उसने थोड़े से कम करके 150 रुपये दे दिए. पर मैं कहा दे 150 दे, आने दे, जो आ रहा है वो आने दे. रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस. Remission means acceptance of a lesser fulfillment of promise. Example, acceptance of a lesser sum that what was contracted for in discharge of the whole of the debt. Simple. Next up is waiver. Waiver manje kya hai? Waiver means the intentional relinquishment or giving up of a right by a party entitled thereto under a contract so that the other party to the contract is released from his obligation. Vikas sir aur mere beech mein agreement hua. मैंने सर को बोला कि सर आई विल कम एंड आई विल टीच, आई केम आई टॉट देयर, एंड मेरा आखिरी में कुछ हिसाब बना होगा. मान लो फॉर एन एग्जांपल फेब की बात करते हैं, जब लाइव लेक्चर्स चल रहे थे, मेरा बैच खत्म ही हुआ था. तो आई थिंक आई हैड टू टेक 12 लाख रुपीज़, एग्जांपल ही है, आई हैड टू टेक 12 लाख रुपीज़ फ्रॉम सर. ठीक है, सर ने बोला कि यार चिराग ये कोविड का प्रॉब्लम आना चालू हो रहा है,
एंड द क्लास माइट फेस लॉसेस, तो इस बार हम सारे टीचर्स को उनकी पेमेंट का 50% ही दे रहे हैं, 50% हम विथहोल्ड कर रहे हैं जब तक कि कोविड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद देंगे। मैं कहा ठीक है, तो मैंने 6 लाख के लिए 6 लाख उधर ही पड़े थे, बाद में देंगे। रिसेंटली 1 मंथ बैक सर ने कह दिया कि यार क्योंकि कोविड इतना लंबा चल गया, हमने इतने रेंट्स दिए विदाउट एनी रीज़न, यस की इतनी सारी क्लासेज हैं, हमारी पूरी यस की लेन है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो मतलब ख़त्म नहीं होते, चलते जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी लेन्स है हमारी, तो बोले यार इतना रेंट वेंट देना है तो सारे टीचर्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, सो नो पेमेंट। नाउ इज द टाइम आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो चल जो हो गया सो हो गया, आई वेव माई राइट। वेवर अगर हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो गया, मैं खुद ही माफ कर देता हूँ कि नहीं चाहिए भैया कोई बात नहीं रहने दो। सो वेवर का मतलब होता है इंटेंशनल, मैंने अपनी इच्छा से रिलिंग्विश, रिलिंग्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, इसी को मैंने आगे लिखा और गिविंग अप द राइट बाय अ पार्टी एंटाइटल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं एंटाइटल था 6 लाख रुपये और लेने के लिए ताकि दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो रिलीज हो जाए अपने ऑब्लिगेशन से, इसको आप बोलते हो वेवर। तुम तो जानती हो मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, वैसे सिर्फ एग्जांपल की बात थी, अगर मेरा हिसाब 12 लाख बनेगा ना तो वो आदमी मुझे 15 दे देगा, वो ऐसा है। एंड लास्ट इज बच्चे मर्जर, मर्जर को ना अननेसेसरी आपके सामने दिया, अब बात समझना, आई एम गिविंग अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल, इसको लाइफ टाइम याद रख लेना, बस यही होता है। देखो तुम देखो, मैं आया विकास वोरा सर के पास, आई गेव हिम अ गोल्ड चेन जो मैं पहनता हूं, तो माय गोल्ड चेन इज लाइक अ 12 तोला सोने की चेन, अगर दिख रही हो तो ले लेना तुम भी। तो मैंने उनको जाके दी और मैंने कहा यार मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दे, अभी तो एक तोले के रेट 50,000 पार है, 5 लाख रुपए उधार देते यार, ये साहूकार आदमी, इसने दे दिए। ठीक है, अभी क्या हो ना, मेरे को एक घर खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, अब मुझे 50 लाख की जरूरत है, अब मुझे 50 लाख की जरूरत है, तो मैंने सर को बोला कि जो घर मैं खरीद रहा हूं उसके कागजात मैं आपको देता हूं, अब मुझे 50 लाख दे दो, घर की वैल्यू 1 करोड़ है, घर की वैल्यू 1 करोड़ है, मैंने कहा आप मुझे 50 लाख दे दीजिए, तो सर ने क्या किया, सर ने बोला कि यार तो फिर ये पुराना और ये कॉन्ट्रैक्ट मिक्स ही कर ले, और अब तेरा लोन है 55 लाख, खत्म बात, क्योंकि लोन भी तू ही ले रहा है, मैं ही लोन दे रहा हूं, सिक्योरिटी तू दे ही रहा है, तेरी गोल्ड चेन वापस ले जा। तो अब एक्चुअली क्या हुआ, उधार आज भी है, पुराना वाला उधार भी आज भी है, पर मेरे न्यू कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे न्यू कॉन्ट्रैक्ट में मैंने मेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या कर दिया, मैंने मेरे न्यू कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मर्ज कर दिया, मेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मर्ज कर दिया, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इससे ज़्यादा नहीं सिंपल हो सकता। तो प्रैक्टिकली अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, तो जब कभी भी आप एक अपना इन्फीरियर मतलब छोटा कॉन्ट्रैक्ट सुपीरियर में मर्ज कर देते हो, सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर देते हो, इसको आप बुलाते हो मर्जर। जल्दी से देख लो, रीड करके देख लो, यू विल अंडरस्टैंड, इतनी कुछ मेहनत का सौदा नहीं है ये। आज इतने मैसेजेस आए ना कि सर 29 को CACT हो ही रहा है, हो ही रहा था, पहले ही बोला ही था तुमको होगा। ठीक है भैया, तो अब सर वापस देखते हैं, हम डिस्चार्ज बढ़ रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमको आ गया, म्यूचुअल कंसेंट में 6 तरीके होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के 6 तरीके कौन से थे, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेसेशन, वेवर, मर्जर, खत्म, ये सारे हो गए अपने। अब तीसरा डिस्चार्ज क्या था, डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबिलिटी। अब देखो इम्पॉसिबिलिटी के 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी आपको पता था कि इम्पॉसिबल है, एक आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पता पड़ा कि इम्पॉसिबल है, और तीसरा आप लोगों को सब्सिक्वेंटली पता पड़ा कि अभी इम्पॉसिबल हो गया जबकि पहले पॉसिबल था। 3 तरीके की लॉजिक समझ में, इम्पॉसिबिलिटी 3 तरीके की होती है।
इम्पॉसिबिलिटी तीन तरीके की होती है। पहले इम्पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता था। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद पता पड़ा, सब्सिक्वेंटली पता पड़ा कि यार ये तो जो हमने एंटर किया है ये इम्पॉसिबल है। और एक, कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था बट ड्यू टू सम चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम चेंज इन सर्कमस्टांसेस ये अब इम्पॉसिबल हो गया। मतलब पहले इम्पॉसिबल नहीं था, ये अब इम्पॉसिबल हो गया। तो तीन लेवल्स ऑफ इम्पॉसिबल होते हैं, तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, हमको यही सीखना है। सो सर, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, हम बोलते हैं कि भैया अब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। नाउ इम्पॉसिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। पहला है इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द नॉलेज ऑफ द पार्टीज। पार्टीज को पता था दिस इज इम्पॉसिबल, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। पार्टीज को पता था दैट दिस इज इम्पॉसिबल, फिर भी उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एक सेकेंड है गाइस, एक सेकेंड गाइस। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता था ना कि इम्पॉसिबल है, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू, एमसीक्यू है। पहले कह रहा हूं यही एमसीक्यू था राजा, इधर ही ट्रिक आती है, वो पूछेंगे इफ द इम्पॉसिबिलिटी वॉज नोन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड ऑफ एन इश्यू कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड ऑफ एन इश्यू एग्रीमेंट। तो आप इसे वॉइड ऑफ एन इश्यू एग्रीमेंट बोलते हो। एंड द पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर फुल्ली अवेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज impossibility at the time of making the contract unknown to the parties. Contract बना रहे थे, जो चीज़ तुम कर रहे थे वो topic impossible ही था, जो बात तुम कर रहे थे वो impossible ही था, but actually you were unknown कि सच में impossible है। तो in this case the contract becomes void as soon as the impossibility is discovered. Difference समझ में आ रहा है? Impossibility जब पहले से ही पता थी तो contract void ab initio था, जब इम्पॉसिबिलिटी बाद में पता पड़ी तो ये बाद में void होता है, void ab initio नहीं होता है। जब आगे डिस्कवर करोगे that this is impossible, it turns out to be void. समझ में आ गया? प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना बेटा, यहां पे क्वेश्चन आते हैं तो लिख लो, ये बनेगा void ab initio। ये बनेगा void। तीसरा है impossibility which arises subsequent to the formation of the contract, मतलब contract बनने के बाद कभी future में जाके impossibility आई। such impossibility as a general rule is no excuse for the non-performance of the contract, पर ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि ये कोई excuse थोड़ी है। जब आप contract बना रहे थे तब तो आप कर सकते थे ना, तो ये कोई excuse नहीं, हम contract discharge नहीं करेंगे। but आगे देखो, but where the impossibility is caused by circumstances, where the impossibility is caused by circumstances beyond the control of the parties. So now what we are trying to say is ki is bar jo impossibility create ho rahi hai wo kahan se create ho rahi hai, it is because of some situations, some circumstances which are actually beyond our control. The parties do not have any control, they cannot do anything. To hum aise case mein kehte hain kyunki galti tumhari nahi thi aur impossibility tumhari galti se nahi aayi hai. Then they are discharged from the further performance of the obligation arising under the contract. तो बस यहां पर क्या लिखेंगे, पहले जब बनाया था तब वैलिड था बट चेंज इन सर्कमस्टेंसेज की वजह से इंपॉसिबल हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम से वॉइड हो जाएगा और आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो बेटा मैं यहां पर आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये जो इम्पॉसिबिलिटी आ रही है ना, ये आपकी गलती से नहीं आनी चाहिए। ये जो इम्पॉसिबिलिटी आ रही है ये आपकी गलती से नहीं, ये आनी चाहिए चेंज इन सरकम
स्टांसिस की वजह से, चेंज इन सर्कमस्टांसिस की वजह से आनी चाहिए, तभी हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। और इधर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। तो राजा क्या चीज सीखने को मिल रही है कि सर अगर इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी और हमको पता था तो वो वॉइड एब इनिशियो है, और सर अगर इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग हमको नहीं पता था और बाद में चल के पता पड़ा तो बेटा वो वॉइड है, और सर जब बनाया था तो वैलिड था बट क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टांसिस हो गए तो बेटा वो वॉइड है। समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम टेकिंग अटमोस्ट केयर कि आपको सब कुछ समझ में आएगा एकदम एग्जैक्टली। तो वापस चलते हैं ऊपर। आपने डिस्चार्ज में परफॉर्मेंस सीख लिया, आपने म्यूचुअल कॉन्सेंट सीख लिया, आपने इम्पॉसिबिलिटी सीख लिया, अभी अपन ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अप इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके अंदर कुछ भी नहीं। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो जाता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ऑन हैपनिंग ऑफ फॉलोइंग इवेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब आपकी नहीं, लॉ की मर्जी के हिसाब से हो रहा है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल ऑन डेथ ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। मेरे एडिटर जो हैं वो रोज मेरे घर पर आते थे और हार्ड डिस्क लेके जाते थे, एडिटिंग करते थे और वापस लेके जाते थे। मैं रेगुलरली उनसे मिल रहा हूँ। अब मतलब मैं और मेरी पूरी टीम डर रही है कि इवन आई माइट बी कोविड पॉजिटिव। मैं नहीं, मतलब आप चाहे तो विकास सर से पूछेगा, दे आर नॉट मीटिंग मी, दे आर वेरी अफ्रेड कि चिराग क्या हो गया, प्लीज़ जा जाके चेक करा। मैंने उनको बोला एक ही चीज़, मैं कहा एक बात समझो सर, मैं पहली बात मैं होम आइसोलेशन में तो हुई एंड आई हैव इन्वॉल्व माई सोसाइटी, मैंने उनको बोल रखा है आई एम इन होम क्वारंटीन। तो मैंने उनको बोला कि सर द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं आज बाहर चला गया और मैंने आज जाके टेस्ट करा लिया और खुदा ना खास्ता मान लो कि मुझे पॉजिटिव हो गया, द प्रॉब्लम इज कि मेरे सारे बच्चों का करियर स्टेक पे आ जाएगा। इतने सारे लोग बैठे हैं, 20-25 दिन में एग्जाम्स हैं इनके, आई कांट लीव इट। मैं कहा मुझे एक दिन रुको, मतलब हमें आज ही पता पड़ा कि हमारे एडिटर कोविड पॉजिटिव है, तो मैंने कहा कि एक दिन रुक जाओ, आज पता पड़ा है ना, मैं आज ही घर में हूँ और आज ही मेरे सारे बच्चों के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं कल जाके टेस्ट करा लूँगा। कल टेस्ट कराने के बाद अगर मान लो कि पॉजिटिव है भी तो मैं इंस्टीट्यूशनल एडमिशन एडमिट हो जाऊँगा उधर ही, तब मुझे कोई फिक्र नहीं है कि भाई सबको सब कुछ भेज दिया, अब मैं 5-6 दिन रह सकता हूँ उधर। बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लो फॉर एन एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे को आपके 4-5 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करने हैं और मान लो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई बीन हॉस्पिटलाइज्ड। मान लो आपने फीस भी दी हुई है पर आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे आप क्या ही कर सकते, मेरे जो बंदा है उसी की हालत खराब है, नहीं कर सकते, या फिर मेरी आवाज़ निकलना बंद हो जाए, मुझे ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो जाए। सो जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर थिंग, वेन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, वेन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल ऑन डेथ ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अगर मुझे कुछ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि ये तो पर्सनल स्किल्स थे, ऐसा तो है नहीं कि मेरे मम्मी पापा के पढ़ाएंगे आपको। सेकेंड, मर्जर मैंने ऊपर सिखाया था ना। थर्ड, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, याद रखना इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब आप कोर्ट में जाके डिक्लेयर कर देते हो कि अब मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ना पैसा है ना कुछ है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे केस के अंदर बोलते हैं कि अच्छा ये इंडियन लॉ है कि आप एक इंसॉल्वेंट यानी कि एक बर्बाद इंसान से पैसे भी नहीं मांग सकते, अगर आपने उससे पैसे मांगे तो ये इटसेल्फ एक ऑफेंस है। अब बेटा एक बात समझना, जब तुम उससे पैसे नहीं मांग सकते मतलब तुम उससे कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, और अगर तुम उससे कंसिडरेशन नहीं मांग सकते तो हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सो ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या हो रहा है, जब कभी भी एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है ऑफ ऑल हिज लाइबिलिटी एंटर्ड इनटू बाय एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उसने एंटर किए थे वो सारे जीरो हो जाते हैं और आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। एंड लास्ट है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनशर्न कुछ नई लाइनें ऐड कर दी, बाद में कुछ मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिए, लॉ स्ट्रेट कहता है अगर तुमने कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन किया है तो ऑपरेशन ऑफ लॉ कहता है उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सर वापस ऊपर चलो, आप हमको रिविजन भी बार बार करा रहे हो, वी लव यू। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, म्यूचुअल कॉन्सेंट हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, नाउ वी आर लर्निंग लैप्स ऑफ टाइम की वजह से कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। नाउ लैप्स ऑफ टाइम में कुछ भी नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ इट इज नॉट परफॉर्म्ड और एनफोर्स्ड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यार मैंने ना तुमको फोन किया, मैंने तुमको फोन करके बोला कि भैया न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे हमको चाहिए कि आप हमको 100 चिकन भेजो, हम उसे काटेंगे और बढ़िया न्यू ईयर पे सेल करेंगे, न्यू ईयर पार्टी है, ठीक है भैया। तो आप मेरे को कब भेज रहे हो? 5 जनवरी को। मैंने कहा अबे अब क्या करें 100 चिकन का, बेवकूफ़ कहेंगे न्यू ईयर तो भाई 31 दिसंबर को हमारी रात की पार्टी थी, अब थोड़ी होगा।
आप बात समझना, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी टर्मिनेटेड ऑन 31st ऑफ डिसम्बर, क्योंकि हमने आपको तब तक का टाइम दिया था, अब टाइम ही लैप्स हो गया, अब वो चिकन भेजने का कोई फायदा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज कर देना इफ इट इज नॉट परफॉर्म और एनफोर्स्ड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड एज कॉल्ड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सर वापस चलो ऊपर, आपको आप मानोगे थोड़ी, आप एक एक बार रिवाइज कराओगे। हम डिस्चार्ज पढ़ रहे थे, परफॉर्मेंस आ गया, म्यूचुअल कंसेंट आ गया, म्यूचुअल कंसेंट के सारे याद है छह के छह, इम्पॉसिबिलिटी आ गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ आ गया, लैप्स ऑफ टाइम आ गया, एंड लास्ट अब पढ़ने जा रहे हैं सर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अ डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलियर ऑफ वन पार्टी टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक पार्टी का फेलियर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, जब एक इंसान ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो हम उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब राजा ब्रीच दो तरीके का हो सकता है, ब्रीच दो तरीके का हो सकता है। पहला ब्रीच, एक ब्रीच होता है जो होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस तारीख पे जो काम करना था वो उसने नहीं किया। और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, आपने एनफोर्समेंट मतलब जिस दिन परफॉर्म करना था उस तारीख का इंतजार ही नहीं किया, आपने पहले ही बोल दिया नहीं करूंगा, मतलब डेट आई नहीं थी उससे पहले आपने कह दिया कि भैया मैं नहीं करने वाला। दोनों ही ब्रीच है यार, चाहे एक्चुअल वाले दिन परफॉर्म ना करो या उसके पहले ही मना कर दो। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेज और फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रोमिस ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। वापिस से रीड करेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वेन वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेज और फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रोमिस ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया, नाउ दिस इज वॉट यू से इज एक्चुअल ब्रीच। एंड द सेकेंड वर्ड वी आर लर्निंग इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। नाउ वॉट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, कम ऑन टेल मी वॉट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर अ कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुआ है वेन एनी पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ में आ गया, सिंपल है एकदम। नाउ We're learning about remedies for, अच्छा ये पूरा समझ में आया ना तुमको सारा का सारा, आराम से देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डन, ठीक है स्लोली, अच्छा आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम, प्लीज देख लो। मैं तीसरे सोच रहा था कि पानी क्यों गिर रहा है, इसका ढक्कन ही आगे चिपका होता। दिस मग हैज ऑल टुगेदर ग्रेट मेमोरीज। एक टाइम था जब हम इंडिया के बाहर जा सकते थे, तब हम कभी US गए थे, वहां से मग मिला था हमें। Now we're talking about remedies for breach of contract. Now what are remedies for breach of contract? भैया remedies का मतलब होता है इलाज। इलाज मंजे क्या अब आपके लिए हम कर सकते हैं, अगर ऊपर जो breach of contract हो गया, तुम्हारे साथ जो contract किया गया था वो टूट गया, तो फिर आपके पास क्या remedies हैं, आपके पास क्या इलाज है, आपके पास क्या treatment है, ठीक है। सो ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीव पार्टी, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वही रेमेडीज मांगेगा, जिसने गलत किया है उसको थोड़ी रेमेडी चाहिए। सो ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीव पार्टी हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, कैंसिलेशन, आई एम सो सॉरी, कैंसिलेशन ऑफ सूट मत करो, ये कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही मैं बोलूं क्या है, आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। गाइस एक मिनट के लिए सिर्फ वेट करेंगे, आई थिंक समवन इज ऑन द गेट, आप सिर्फ इसको खाली एक मिनट रीड करो एंड आई विल बी बैक, सिर्फ एक सेकंड रुकेगा।
हाँ जी नन्ने मुन्ने मुजाहिदीनों वापस आ गए। आ जाओ भाई, अब अपन पढ़ रहे थे सर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था सर? हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आपने तोड़ दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया मतलब हमें नुकसान हुआ, आपको नुकसान हुआ मतलब आप कौन हो गए? अग्रीव पार्टी हो गए। अब अग्रीव पार्टी हुए हो तो अग्रीव पार्टी को सर कुछ तो रेमेडी चाहिए। रेमेडी मंजे क्या है? रेमेडी मंजे ट्रीटमेंट। ठीक है सर, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे अच्छा क्या है? राम सियाराम, नहीं करना हमें यह काम, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुम तुम्हारे रस्ते मैं मेरे रस्ते। एक सेकंड भैया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल बोला है तेरे को फोकट में छोड़ देंगे ऐसा नहीं बोला है। देखो अभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो हम कैंसिल करेंगे। अच्छा कैंसिलेशन का मतलब क्या सिखाया था? इंग्लिश में बताना सर। कैंसिलेशन का मतलब आपने बताया था, उसको हम बोलते हैं रिसीशन। ठीक है एकदम, रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिसीशन। Now, rescission of contract means that the party has the right to cancel the contract. So, in case of breach of contract, other may rescind the contract. अब एक सेकेंड रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, हमने आपको फ्री नहीं किया है। देखो, ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द अग्रीव पार्टी, अग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, he is not required to perform his part of the obligation. Because I am the aggrieved party, because मेरे साथ गलत हुआ है, अब मैं I am completely free from entering into or from performing any part of the contract. मैं free हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने contract cancel कर दिया। One, second, मैं अगर कोई घाटा खाया तुम्हारी वजह से, अगर मैंने कोई घाटा खाया तो मैं तुमसे compensation लूँगा क्या? Yes लूँगा। तो अगर cancellation हुआ तो एक, मैं खुद कोई part perform नहीं करूँगा, आपसे compensation लूँगा। और मान ले कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसको मैं आज कैंसिल कर रहा हूं, इसमें अगर मैंने तेरे को कोई एडवांस पेमेंट किया था या फिर मैंने तेरे को कोई बेनिफिट्स दिए थे, मैं वो बेनिफिट्स भी वापस लूंगा। सो नाउ व्हेनेवर एन अग्रीव पार्टी कैंसिल्स द कॉन्ट्रैक्ट, थ्री थिंग्स हैपन। द अग्रीव पार्टी इज फ्री फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी पार्ट, ही कैन क्लेम कॉम्पनसेशन एज वेल, एंड इफ ही हैज गिवन यू एनी अदर बेनिफिट्स इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, दोज शैल ऑल्सो बी गिवन बैक। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ऐसे कैसे नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ सालों। सो द पार्टी इज लाइबल टू रिस्टोर बेनिफिट्स। सो नाउ सर हम क्या बढ़ते थे, ध्यान से देखने का भैया, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज मंजे का है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मंजे या तो मैं, मेरे साथ गलत हुआ तो कैंसिल करूंगा, या फिर मैं सूट फॉर डैमेजेस। नाउ व्हाट आर सूट फॉर डैमेजेस? बच्चे देखो, एक था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और मैंने ईमानदारी से बोला बेटा पैसा वापस दे, पैसा वापस दिया, मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे को कॉम्पनसेशन दे। और अगर तुमने इधर ऊपर कोई भी शिटिंग करी मतलब गोबर गोबर किया, तो ऐसा गोबर करते ही हम आपको बोलेंगे कि भैया हम आपके खिलाफ करने जा रहे हैं केस। अब याद रखना मैंने आपको ये दो वर्ड सिखाए थे, हाथ में लगी डैमेज, डैमेज मंजे नुकसान, डैमेजेस, डैमेजेस मंजे नुकसान का भुगतान, कॉम्पनसेशन। व्हेन आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू फाइल अ सूट, सूट मींस टू फाइल अ केस। केस अगेंस्ट व्हाट? सूट फॉर डैमेजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सूट फॉर डैमेजेस? जब मैं कह रहा हूं सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन, डैमेजेस मंजे कॉम्पनसेशन। तो अगर देखो ऊपर वाले केस में हम आउटसाइड द कोर्ट प्यार मोहब्बत से बात करके सेटलमेंट करते, पर क्योंकि बेटा तू प्यार का पुजारी है ही नहीं, तू अब कोर्ट में चल। सो डैमेज मीन्स मॉनिटरी, प्लीज इसको डैमेजेस करना, डैमेजेस मीन्स मॉनिटरी कॉम्पनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव पार्टी। पर्पस इज टू कॉम्पनसेट अग्रीव पार्टी एंड नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट। तो यहां पर मैं तेरे को पनिश नहीं कर रहा हूं, तेरी इस गलती से मेरा लॉस हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू कवर माई लॉस। सर किसी कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस से आपका कैसे लॉस हुआ है? लो देखो देखते अभी मेरी, मैंने ना भैया एक इवेंट रखा, मैंने एक इवेंट रखा मतलब मान लो कि COVID-19 खत्म हो गया, मान लो कि अब हम सब बाहर जा सकते हैं, फिर से मिल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, हम लोग बाहर जा सकते हैं। मैंने एक इवेंट रखा, ठीक है, सो इट इज पोस्ट कोविड आफ्टर पार्टी। तो मैंने पोस्ट कोविड आफ्टर पार्टी रखी, मैंने कहा यू वोंट बिलीव इस पार्टी के अंदर हम लोग सेलिब्रिटी श्री 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 विकास वोरा जी को बुलाने वाले हैं और वो यहाँ आएंगे और लाइव परफॉर्म करेंगे। भैया विकास वोरा, लेट्स लिव इन अ पैरेलल वर्ल्ड, हैज बिकम द न्यू M&M, एकदम वायरल हो गया भैया, हर जगह पे एकदम उन्हीं का चल रहे हैं। तो मैंने विकास सर को बोला, कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा भैया अपनी पार्टी है, 30 सितंबर को रखी थी अपने COVID-19 पोस्ट पार्टी रखी है, आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, उनको मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। भैया उनके नाम पे ना मैंने टिकटें बेची और मैंने 25 लाख की टिकटें बेच दी।
मैंने कहा बस अब सॉर्टेड है, 5 लाख रुपए का खर्चा, 10 लाख रुपए इनको दे दिए, 10 लाख अपन ने कमा लिए। मैंने कहा बस अब शांति अपनी। अचानक से विकास सर बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा भैया क्यों नहीं आएगा? बोलते मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अरे मैंने कहा भैया पर रीजन तो होगा, क्यों नहीं आएगा? बोले बस मैं नहीं आऊंगा, बात खत्म। उसने ऐसा क्यों किया? मेरा एक बहुत बड़ा जानी दुश्मन है हरीश मथारिया, उसने भी एक पार्टी रखी है और उसने विकास सर को 15 लाख देके वहां ले लिया। मैं कहा अबे तेरे जाने से ये सारे जो लोग हैं ना ये भूखा खा जाएंगे भाई, मुझे ये नोच मारेंगे कि विकास सर पार्टी में नहीं आ रहे। अब भाई मैंने उन लोगों को टिकटों के जब पैसे वापस दिए, मैंने कहा भैया संडे को आना, विकास बोल रहा तो नहीं आ रहे, ये आपका पैसा। वो लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया पैसा तो ठीक है, कॉम्पनसेशन भी चाहिए, हम लोग तुम्हारे भरोसे बैठे थे। तो मैंने ऊपर से 5 लाख कॉम्पनसेशन दिया। तो क्या ये 5 लाख रुपये मेरा नुकसान हुआ? यस हुआ। तो क्या मैं विकास वोरा से जब ये 10 लाख वापस ले रहा हूं तब उससे 5 लाख और कॉम्पनसेशन मांगूंगा? इसका जवाब है शत प्रतिशत हाँ। इसको बोलते हैं सूट फॉर डैमेजेस। वेरी सिंपल, प्लीज गो बैक। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया हम क्या पढ़ रहे थे? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और कॉम्पनसेशन मांगो। सेकंड, उसके खिलाफ केस करो और कॉम्पनसेशन मांगो। तीसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? अब देखो व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब है ना समझना, मतलब ये बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। कान और जो भी चीज खोल के रखनी हो खोल के सुनना पूरी बात। जब कभी मान लीजिए मेरी एक दादाजी की प्रॉपर्टी है, मेरी एक दादाजी की प्रॉपर्टी उदयपुर की बात बता रहा हूं, मेरी दादाजी की 2000 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी है। मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को पुणे में घर खरीदना है और तुम जानते हो मैं कितना गरीब आदमी हूं, तो इस गरीब आदमी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई और मैंने कहा कि चलो यार इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा प्रॉपर्टी बेच मत, एक्चुअली इसके ऊपर लोन ले ले और कल अगर अपन नहीं दे पाए, कल मान ले अपन पैसे नहीं दे पाए तो प्रॉपर्टी दे देंगे, अपना क्या जा रहा है। मैं कह यार पापा बात तो सही है, मतलब कोशिश तो करें, शायद मैं इतना भी नाकारा नहीं। तो मैंने मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी बाहर किसी फ्रेंड को मॉर्गेज कर दी, विकास सर को मॉर्गेज कर दी और मैंने उनसे 2 करोड़ ले लिए। अब यार विकास सर ने कहा भंगी क्या ही 2 करोड़ देगा, उनको ऐसा लगा। बट आप सबके प्यार से मैं भारत में एक अच्छी फैकल्टी मानने लग गया और काफ़ी ठीक चल गया। मैं 2 करोड़ 5 साल बाद उतारने चला गया, मैं हाथ में पैसे लेके गया, मैं ले पकड़ दादाजी की प्रॉपर्टी वापस दे। और विकास सर को आई हिचकी, विकास सर ने कहा मर गए ये भैया तो आ गए पैसे लेके। तो विकास सर ने बोला यार मेरे को नहीं चाहिए 2 करोड़, प्रॉपर्टी वापस नहीं दूंगा। मैं कहा ओ हेलो, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं। विकास सर बोल रहे नहीं, अब विकास सर ही प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो देखो जनरली अपन बोलते हैं कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी खा गया तो तुम केस करो, कॉम्पनसेशन मांगो, पर भैया मेरी उस प्रॉपर्टी पे ना बहुत यादें जुड़ी है। मेरे दादाजी सुबह लोटा लेके जाया करते थे वहां पे, अब वो वहां जाके कुछ भी करे, वहां पे उनकी एक महक है। मैं जब उस जमीन पे जाता हूं तो आई कैन फील माय दादाजी सिटिंग समवेयर इन झाड़ियां। तो अब वो झाड़ियों में मुझे दादाजी को इमेजिन करना है। मुझे तुम कितना भी पैसा दे दो, क्या तुम मेरे दादा और मेरी याद खरीद सकते हो? आपने कहा नहीं सर, ये नुकसान मेजरेबल ही नहीं है, इस चीज को गिन ही नहीं सकते आपको कितना नुकसान हुआ है। नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपको आपकी प्रॉपर्टी ही वापस चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। अबे क्या तुम पैसे से प्यार खरीद सकते हो? आई थिंक आई वेंट टू ड्रामेटिक, बट हु केयर्स। बट यस, क्या तुम पैसे से मेरे दादाजी और मेरे इमोशंस खरीद सकते हो? नहीं, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। नाउ व्हेन आई से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप सूट फाइल कर रहे हो, आप कोर्ट को बोलते हो मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आके मेरी चीज वापस दो, बात खत्म। जो चीज मैंने दी थी मुझे मेरी चीज वापस दो, क्यों? अब बात समझना, अब हर बार जिद नहीं हो सकती। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जिद कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तब मानता है जब जो नुकसान आपको हुआ है उसको पैसों में तोला नहीं जा सकता। सो अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन ओनली बी एंटरटेन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन ओनली बी कंसिडर्ड, कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट व्हेन द कोर्ट फील्स दैट द लॉस टू यू कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड इन मनी, द लॉस टू यू कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड इट वुड बी अगेंस्ट जस्टिस कि आपको पैसे देके चुप करा दिया जाए, आपको आपकी चीज ही वापस मिलनी चाहिए। अरे आज तुमको अंग्रेज बोले कि तुमको कोहिनूर का हीरा नहीं दे रहे, जितना पैसा चाहिए ले लो, हमने कहा अबे चल भागे ऐसे, हीरा चाहिए, हीरे का कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, वो बहुमूल्य चीज है।
इधर तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो. आर वी गेटिंग इट? वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो इट मीन्स द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द प्रॉमिस बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. मेरे को भुगतान नहीं चाहिए, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा. So now, when is specific performance allowed? Now comes the question. Specific performance का मतलब होता है कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, पर कब? अच्छा एक सेकेंड, एक रूल याद रखना बच्चे. Specific performance is not your right. Specific performance is not your right. ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है. ऐसा नहीं कि तुम जब चाहे मुंह खड़े लेके खड़े हो जाओगे, भैया हमको तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए. तुम्हारे पापा का राज नहीं चल रहा है कि जब तुम बोलोगे तब तुमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज कंप्लीटली द कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन. अगर कोर्ट को लगता है कि तुमको मॉनिटरी वे में कॉम्पनसेट नहीं किया जाता तो वो शायद अलाउ करे, तो ये तुम्हारा राइट नहीं है. इसके ऊपर टेलीग्राम पे आज क्वेश्चन आएगा. गोबर मत करना सालों. जिसने भी लिख दिया ना कि नहीं नहीं सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमारा राइट है, मतलब मैं ना नीचे थूक दूंगा वहां पे आके. लो, सो व्हेन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड? सो व्हेन एक्चुअल डैमेजेस आर नॉट मेजरेबल, जब नुकसान को मेजर नहीं किया जा सकता. सेकेंड, जहां पैसे से कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता. एकदम ठीक है, बस ये हो गया खत्म. नीचे देखो, when is specific performance not allowed? So now when we will not allow specific performance? Obviously when the loss can be compensated. Obviously जब हम इसको गिन सकते हैं. So when monetary compensation is an adequate remedy, we do not give you specific performance. Where the contract is not certain. अरे तू जिस चीज पे contract कर रहे हैं वो certain ही नहीं है, कैसे specific performance करवाऊं भैया? मैंने आपको बोला मैं आपको मेरी Mercedes बेचूंगा, provided मेरा जो एक दोस्त है विजय वो मेरे को sell करे. अरे वो सेल ही नहीं कर रहा तो तुमको कैसे बेचूं? मेरा ही तो सेलिंग सर्टन नहीं है, इसीलिए यहां पे कॉम्पनसेशन बनता है. वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल. कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था जो कैंसिल किया जा सकता था. आई वॉज विशिंग टू सेल यू माई मोबाइल, आई नाउ डू नॉट विश टू सेल माई फोन. इट्स अ रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट. तुम कॉम्पनसेशन लो ना, बात खत्म. तुम्हारे को इमोशन हट हो रहे हैं क्या? मेरे फोन में ऐसा क्या पड़ा है जो तुमको चाहिए? प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज. Where the contract is of a personal nature, a contract to marry. मैंने बोला था कि भैया, मैंने कहा यार दीपिका आई विल मैरी यू, दीपिका पादुकोण को मैंने बोला आई विल मैरी यू, बट लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड यार दीपिका मेरे लायक नहीं है. मैंने कहा दीपिका आई एम सॉरी आई कांट मैरी यू, तो आप मेरे को फोर्स थोड़ी कर सकते हो. इट इज समथिंग माई चॉइस, तुम तो जानते हो यार. थैंक्स. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ कंपनी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर एज लेट डाउन इन इट्स कैरेक्टर. अच्छा ये अल्ट्रा वायरस चीज है, ये अल्ट्रा वायरस बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना ये सिर्फ यहाँ याद कर लो. ये वाला मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा? जो आप एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का लास्ट चैप्टर देखोगे ना, मैं वहां पे अल्ट्रा वायरस सिखाऊंगा आपको. तो यहाँ नहीं मेहनत करनी, पर एक बात समझना. आज मैं आपको बोल रहा हूँ दैट आई वॉन्ट टू सेल दिस माइक, कैन आई सेल? आपने कहा जी सर, क्योंकि आपका पावर है. पर अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आई वॉन्ट टू सेल यू ताजमहल, आपने कहा भाई कैसे बेचेगा? जो चीज़ तेरी है ही नहीं, तू अपने पावर के बाहर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ कंपनी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर्स एज लेट डाउन इन इट्स कैरेक्टर, दैट इज अल्ट्रा वायरस. तो जब कभी भी कंपनी का जो पावर नहीं है वो उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसे केस में आप उसको परफॉर्म नहीं करा सकते, सिर्फ कॉम्पनसेशन मांग सकते हो. एंड लास्ट, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज. कोर्ट ने बोला कि जिस चीज के लिए तुम मेरे से बोल रहे हो ना, इसमें मेरे को रेगुलरली तुमको सुपरवाइज करना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो कोर्ट बोलती है कि भैया मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवाऊंगी क्योंकि पूरा टाइम मेरे को देखना पड़ेगा, बेटर है आप कॉम्पनसेशन लो, फ्री हो जाओ. बच्चे यहां से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. चलो सर वापस दिखाओ आपने आज क्या क्या पढ़ाया. आपने रेमेडीज पढ़ाई, रेमेडीज में कैंसिलेशन पढ़ लिया, सूट फॉर डैमेजेस पढ़ लिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ लिया, अब नेक्स्ट अप क्या है? सूट फॉर इंजंक्शन. यार बहुत ज्यादा खेच दिया क्या मैंने? आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो गया, सो वी शुड स्टॉप हेयर. आई होप यहां तक का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर था. आगे चल के बस दो चीजें और बतानी है, एंड देन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इस लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरीके से हाथ धोते रहिएगा, मुंह धोते रहिएगा, जो चीज जरूरत हो वो सब धोते रहिएगा. ऐसे ही जिंदा रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.